रनानीम असलाकुम इस लेक्चर का गोल ये है कि हम पाइथन में फंक्शंस को पढ़ें कि फंक्शंस जो है उनका सिंटेक्स क्या होता है उन्हें बनाया कैसे जाते हैं उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये होते क्या हैं और फिर इसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और साथ हम देखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग्स जो हैं वो पाइथन में किस तरह से बनाए जाएंगे इसके अलावा वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शंस में और उनके बाहर कैसे लिमिट हो जाता है वो देखेंगे कुछ थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो पाइथन में किस तरह से बनाए जाते हैं तो जो फंक्शंस का कंसेप्ट है वो हमारे पास ऐसे ही है जैसे कि डायग्राम शो की हुई है कि आपके पास इनपुट में कुछ आ रहा होगा और आपका फंक्शन कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ये सेब है ये इसमें फंक्शन में जा रहे हैं और जो बाहर है वो कट के निकल रहे हैं तो इस जो ब्लॉक इस ब्लू ब्लॉक का काम क्या है इससे वो को काटना इसी तरह से यहाँ इनपुट में हमारे पास सिक्सटी जा रहा है और आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है इसको मल्टीप्लाई बाय टेन कर रहा है तो जो आउटपुट है इससे वो सिक्स हंड्रेड निकल रही है मैथ में अमूमन हमने फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से देखे थे कि जिनकी कुछ डोमेन होती है और वो किसी वैल्यू पे जाके रेंज पे जाके मैप होते हैं एग्जैक्टली exactly इसी पैटर्न पे ये हमारी कोई डोमेन होगी जैसे इस की इनपुट डोमेन में सेब ही है गोल शक्ल के और इसकी रेंज ये होंगी कि कटे हुए सेब जो है वो मल्टीपल uh, साइज के जो है वो हो सकते हैं इसी तरह से इसकी भी जो इनपुट है वो मे भी नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट्स और आउटपुट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आ सकती है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकती है जो है वो आप इस सिलसिले में चैप्टर फोर की कर सकते हैं जो कि बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन एंड प्रोग्रामिंग और उसमें जो है वो आप फोर पॉइंट सिक्स आर्टिकल एक्सक्लूड कर दें जो कि फाइल हैंडलिंग है जो कि मैं बाद में करवाऊंगी इनशाला सो so, फंक्शन बनाने का क्या तरीका का Python में जैसे से आपने क्यूब का फंक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे डेफ का की वर्ड है वो यूज करते हैं उसके बाद जो है वो फंक्शन का नेम होता है जो भी आपने फंक्शन को नेम देना है फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास उसकी इनपुट्स होती हैं आपने जितनी इनपुट्स उसमें पास करनी है आप कॉमा सेपरेटेड जो है वो आप लिख सकते हैं तो जैसे ये क्यूब है इस फंक्शन का नाम है और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो इनपुट है वो एन है और एंड पे हम डाल देते हैं कॉलन जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है उसके बाद फिर हम एक टैब स्पेस से स्टार्ट लेते हैं और फिर यहाँ पे अपनी लाइन्स जो है वो लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये यह स्पेस है फिर हमने लिखा है कि हमारा रिजल्ट का वेरिएबल बनाया जिसको हमने एन क्यूब के इक्वल कर दिया है और फाइनली हमारे पास आपकी इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद एक रिटर्न की स्टेटमेंट होती है रिटर्न ये बताता है कि इस इस फंक्शन से आने वाली आउटपुट जो है वो क्या है वो जो आउटपुट जो हम पाइप से निकल रही थी वो उस पाइप से आने वाली आउटपुट क्या है तो हो सकता है कि पाइप से कोई आउटपुट ना निकल रही हो बा फंक्शन जैसे भी होते हैं जिनकी कोई आउटपुट नहीं होती तो मतलब नल फंक्शन भी हो सकते हैं जैसे मे बी मैं प्रिंट uh, हेलो का एक फंक्शन बनाती हूँ मैंने इसको डेफ किया प्रिंट हेलो किया और इसकी इनपुट भी लेथ से कोई नहीं है जरूरी नहीं है हो भी सकती हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ लेकिन रिटर्न ना करूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है या मैं सिंपल रिटर्न खाली लिख दूँ ये भी पॉसिबिलिटी है इसके आगे कुछ मेंशन ना करूँ इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो एक ये हमने बना दिया है क्यूब का फंक्शन जो कि इंटीजर वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न कर रहा है ज्यूम कर रहा है कि इनपुट में इंटीजर होगी और आउटपुट इसका क्यूब होगा अब जब आप फंक्शन बना लेते हैं तो इस फंक्शन को टेस्ट भी करना होता है टेस्ट करने के लिए हमें जो है वो अपना कोड अलग लिखना पड़ता है जिसमें हम इनको कॉल करके देखेंगे इस फंक्शन को यूज करके देखेंगे कि वो क्या होगा तो हम इसको बाकी सारी लैंग्वेजेस में हम कहते हैं मेन फंक्शन क्या आपने अपने कोड का जो है ना वो मेन फंक्शन लिखना है और वो मेन फंक्शन जो है ना वो क्या होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके सारे कोड का आपके पास तीन सौ तीन सो फाइल्स पड़ी हुई हैं और आपने इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है तो अब कोड किधर से चलना शुरू हो इधर से शुरू हो इधर से शुरू हो कि से तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि एंट्री पॉइंट होता है जिसको मेन कहते हैं जहाँ से जो है वो कोड स्टार्ट होता है पाइथन में ऐसा कुछ जो है वो नहीं है पाइथन में आप जो है वो जिधर भी कहीं भी लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन मैंने आपको समझाने की गर्ज से जो है वो यहाँ पे ऊपर फंक्शन बनाया नीचे मैंने कमेंट्स में लिख दिया कि यहाँ से मैं मेन कोड ब्लॉक जो है वो लिखने लगी क्वेश्चन ये है कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वन ओ एट क्यूब प्लस टू की पावर क्यूब प्लस एटी सेवन की पावर क्यूब तो मैं अब क्या करूँगी मुझे इन तीनों का क्यूब लेना है तो अब मैं क्यूब के फंक्शन जो बनाया हुआ है मैं उसको यूज़ करती हूँ तो मैंने क्यूब का फंक्शन लिखा उसका नाम लिखा और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट पास कर दी ये अब मैंने क्या किया कि इसको फंक्शन कॉलिंग की है फंक्शन को कॉल किया एक सौ आठ से मैंने इसमें कॉल किया तो ये जो है इतनी लाइन ये इसका क्यूब निकाल के एक वैल्यू ये रिटर्न करेगी रिजल्ट उसको मैंने ए वन के अंदर सेव कर दिया ठीक है तो इसी तरह से मैं क्यूब ऑफ टू लिया उसको मैंने ए टू में सेव कर लिया और क्यूब ऑफ एटी लिया उसको मैंने ए थ्री में सेव कर दिया और फाइनली मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ए वन ए टू ए थ्री जो है वो सम किया और मैंने प्रिंट रिजल्ट कर दिया अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं वो ये ना होगा कि जी न, ने क्यूब के अंदर रिजल्ट का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ हुआ है और यहाँ पे बाहर फिर में इसने है वो रिजल्ट का वेरिएबल बना लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे यह जो रिजल्ट का वेरिएबल बना है इसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर ही है ये यह यहीं पे बना है यह ये यहीं पे ख़त्म हो गया यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ पास हुई है और वो वैल्यू जो है वो आगे जाके हमने किसी और वेरिएबल में सेव कर दिया ये रिजल्ट का वेरिएबल अलग है इसका स्कोप बाहर है इससे तो इस रिजल्ट के वेरिएबल को मैं री करके आराम से अपने काम कर सकती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये जो वेरिएबल की स्कोपिंग है इसके मुतालिक ज्यादा डिटेल्स आगे आएंगी तो फंक्शन हमने देख लिया कि कोई रिटर्न नहीं भी कर सकता और कुछ रिटर्न भी कर सकता है और इनपुट पैरामीटर्स आप जितने मर्जी डिफाइन कर सकते हैं एन हो सकते हैं और ये भी जो है एक बात हमें देखनी है कि अगर फंक्शन हमारा जो है वो एक ही आउटपुट रिटर्न कर सकता है जैसे ये रिजल्ट है अगर हमने एक से ज़्यादा इसको रिटर्न कराना होता है तो फिर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन डिक्शनरीज आती हैं लिस्ट आती हैं टपल्स आती हैं सेट्स आते हैं हम ये जो कंटेनर वाले आउटपुट्स हैं

तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर लिखा हुआ सी क्यूब है इधर तो ये अगर काम हमने करना है तो हम यूज़र से ए बी और सी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमने ये इनपुट का फंक्शन यूज किया उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट मैसेज दिया एंटर ए और फिर उससे जो भी वैल्यू आती है हमेशा इनपुट से वैल्यू स्ट्रिंग में आती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर उसको ए वन में सेव कर दिया और फाइनली जो भी आपका रिज़ल्ट था उसको हमने क्या किया उसमें क्यूब का फंक्शन उन सारे इनपुट्स के ऊपर कॉल किया और उसको रिज़ल्ट में सेव करके रिज़ल्ट प्रिंट कर दिया तो कुछ इस तरह से आएगा कि एंटर ए बी सी तो मैंने जो है वो वैल्यूज़ एंटर की थ्री टू और फाइव और सिक्सटी जो है वन सिक्सटी उसकी आउटपुट जो है वो प्रिंट हो गई अच्छा अब ये एक है फंक्शन जिसके ऊपर हमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा समझने में तो आप पॉज करके इसको समझने की कोशिश करें और फिर वापस आए और फिर नहीं समझ आती तो हम करते हैं इस लेक्चर को सुन लें इसमें ये है कि हमारे पास एक तरीके का है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का कि हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो एक तो ये हमारे पास के जो बने बनाए फंक्शन है वो हम यूज़ कर लें जैसे स्क्वायर रूट है उसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर दूं तो वो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा लेकिन अब हम अपने स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखने लगे हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक तरीका है जो कि है बाई सेक्शन मैथड तो बाइसेकशन मेथड जो है उसको हमने आ, बनाना है पहले हम सिंपल देख लेते हैं सेक्शन मेथड क्या है ये पोर्शन सेक्शन का है ये उसका आउटपुट है और ये उसको अगर फंक्शन से बना के हमने करना है तो ये है तो सेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं हम यूज़र से पहले तो इनपुट ले रहे हैं कि एक्स बताओ जिसका हमने वो लेना है स्क्वायर रूट फिर हमने एक थ्रेश होल्ड रख लिया एप्सल ऑन ये क्या करती है ये हमें वो प्रोसेसन बताएगी कि किस वैल्यू तक हमने जो स्क्वायर रूट है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतना सही है इतने डिफरेंस तक वो अगर ठीक है तो हम उसको बेरेबल कर सकते हैं इसकी तफसी आपको मजीद समझ में आएगी नंबर ऑफ केसेस का जो वेरिएबल है वो ये करेगा कि वो काउंट करेगा कि हमें कितनी दफा आइट्रेशन चलानी पड़ी और फिर जाके हमारा जो है ना वो सोल्यूशन आया एक हमारी स्टार्टिंग वैल्यू लो है एक हमारी हाई वैल्यू है हाई वैल्यू हमने ये देख लिया कि वन और एक्स में से जो बड़ा होगा वो हमने सिलेक्ट कर लिया है तो इन दोनों में से जो है वो लेट uh, से हम x को ज्यूम कर लेते हैं चार और चार और इसमें से जो हाई वैल्यू है वो इस टाइम पे चार हो जाएगी लो जो है वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगी नंबर ऑफ गैसेज ज़ीरो हैं और एफसलान जो है वो ज़ीरो वन है अब होगा ये कि हम आंसर जो हमारा है हम उसको इक्वल कर देंगे हाई और लो की एवरेज के उसको हाई और लो को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर की जो वैल्यू इस टाइम पर टू आ जाएगी ठीक है तो हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं फोर का अब हमने देखना है कि वैल्यू लेनी है हमने आंसर का हमने लिया पावर uh, ली आंसर था हमारे पास टू हमने टू की पावर स्क्वेयर लिया और फिर उसमें से एक्स माइनस किया अगर तो फोर माइनस फोर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि जीरो है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन तो फिर ये कोड चलेगा ठीक है अगर नहीं तो ये लूप नहीं चलेगा तो फोर माइनस फोर जीरो है जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन ये बात जो है ये गलत है तो इसका मतलब ये है कि ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे हम डायरेक्टली इस लाइन पे आ जाएंगे और हम कहेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ गैसेज क्या थे जीरो ठीक है और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा वो हमारे आंसर के इक्वल हो जाएगा और आंसर क्या था टू और इस क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स क्या है फोर तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर टू है और वो किसके हमारे फोर के स्क्वायर रूट के बराबर है ठीक है आप समझने कि अब क्या हुआ है अब ये तो था स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात मैंने फोर दिया तो जी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर रूट आ गया ये इसका बिहेवियर इंटरेस्टिंग या समझ में तब आएगी जब हम थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज को पास करके देखते हैं अब लेट्स से इसको जो हमने वैल्यू कहा है वो टेन का है टेन का स्क्वायर रूट लेना है टेन तो हाई जो है वो टेन तो हो गया अब आंसर किसके इक्वल हो गया आंसर इक्वल हो गया टेन प्लस जीरो आंसर की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो गई फाइव आ गई अब हमने चेक किया कि आंसर का लेना स्क्वायर, है 5 का लिया स्क्वायर उसमें से हमने माइनस किया एक्स को तो 25 10 हमारे पास आ गया 15 अब 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 15 जो है वो 0.01 से बड़ा है ये ट्रू है इसका मतलब है अब हम अंदर चले जाएंगे ठीक है जब हम अंदर चले जाएंगे तो नंबर ऑफ गेसेस में एक ऐड हो जाएगा मैं इसको अगर तो ऐसा नीट करके अब यहाँ पे मैं लिख दू ताकि जब हमें समझ आनी शुरू हो गई है तो जो नम गैसेज है अब जीरो नहीं रहा अब एक बढ़ गया क्योंकि अब हाइड्रेशन चलना शुरू हो गई है हमने कहा कि अच्छा जी आंसर का जब हमने स्क्वायर लिया टू तो ट्वेंटी है वो से लेस देन नहीं है तो एल्थ केस एग्जीक्यूट होगा हमने हाई को किसको इक्वल कर दिया हमने हाई को फाइव के इक्वल कर दिया और फिर हम नीचे आ गए आंसर को हमने इक्वल कर दिया हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई टू तो अब क्या हो गया फाइव प्लस लो की वैल्यू क्या थी लो की वैल्यू हमने चेंज नहीं की वो स्टिल जीरो ही है तो हाई प्लस लो फाइव प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू ये क्या हो गई टू पॉइंट फाइव तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है अब फाइव के बदले में टू पॉइंट फाइव हो गया फिर अगेन हम ऊपर आए अब हमने क्या किया टू पॉइंट फाइव का जो है वो स्क्वायर लिया हमने तो 2.5 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आई 6.25 आई और 6.25 में से अब हमने x को माइनस करके देख के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो 6.25 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री और इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे तो 3.75 और वो अभी भी जो है वो एप्सलॉन से बड़ा है इसका मतलब है कि कोड मजीद चलने की जरूरत है इसका अब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ गैसेस में अगेन एक बढ़ जाएगा तो अब ये टू हो जाएगा एक और दफाइट्रेशन चलने लगी है हम क्या करेंगे अब टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर लेंगे और देखेंगे कि क्या वो एक्स से लेस है तो 2.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 6.25 तो 6.25 इज लेस देन 10 हाँ जी ट्रू तो अब लो की जो वैल्यू है वो सेट होके क्या हो जाएगी आंसर और आंसर हमारे पास क्या था आंसर जो है वो टू पॉइंट फाइव है और फिर यहाँ पे एंड पे आंसर की वैल्यू फिर चेंज होगी हाई प्लस लो हाई की वैल्यू फाइव थी लो की वैल्यू टू पॉइंट फाइव थी दोनों को हम सम करके जब उनकी आ, हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव प्लस बेसिकली लो की वैल्यू टू पॉइंट फाइव थी तो फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास आ जाएगा अगेन 3.75 तो हमारे किधर है जो हमारा आंसर सेट हो जाएगा अब वो 2.5 के बदले में क्या हो जाएगा 3.75 हो जाएगा इसी तरह से सो so ऑन जब हम ऊपर जाएंगे फिर अगेन 3.75 का स्क्वायर होगा माइनस तो अब आप ये देखें कि जब आप इसको चलाते जाएंगे तो टोटल 11 आइट्रेशन के बाद जो डिफरेंस है ये वाला ये एब्सोल्यूट जब आप लेंगे आपके आंसर का स्क्वायर और एक्स का क्योंकि एक्चुअल आंसर वही है ना आंसर हमारे पास किसका है इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट तो अगर हम आंसर का स्क्वायर लें तो वो एक्स के बराबर आना चाहिए तो हम जब आइडियल केस में आंसर का स्क्वायर और एक्स का डिफरेंस जो है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं है है, है। तो हमने ये जीरो रखने के बजाय ये वाली जो वैल्यू है ये जीरो नहीं ये अब है यानी एक थ्रेश है जो हमने डिफाइन कर लिया कि इतना एरर हम बेयर कर सकते हैं आंसर uh, और अपने एक्स के दरमियान में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के दरमियान में तो उसको Uh, जो है वो कन्वर्ज करने के लिए उस तक पहुंचने के लिए हम जो है ना वो चेक करते हैं कि अभी कितना डिफरेंस रहता है अगर हमारा आंसर जो है उसका स्क्वायर लेने से एक्स से वैल्यू छोटी आ रही है तो हमें लो को चेंज करना है लेकिन अगर आंसर का स्क्वायर लेने से वो एक्स से बड़ा या उसके बराबर आ रहा है तो हम अपने हाई वाले वेरिएबल को चेंज करते हैं और हर दफा हम उसको हर आइट्रेशन में अपने आंसर को रि एडजस्ट करते हैं और एवरेज ले और चलते जाते हैं कि इवेंचुअली ये आप देखें कि पहले फाइव आया फिर 2.5 आया फिर 3.75 आया और ये मजीद आगे जाते जाते आहिस्ता आस्ता थ्री पॉइंट आ जाएगा जो कि टेन का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये एक्चुअली में बाईस मेथड है जिसके थ्रू जो है वो हम स्क्र रूट फाइंड कर सकते हैं अब ये जो फंक्शन है इसको आप खुद बैठ के तसली से मुख्तु वाली एग्जीक्यूट करें तो इनशाला आपको इसकी मज़द डिटेल जो है समझ आ जाएगी अब यहाँ पे यह सेम को अगर हमने प्रॉपर फंक्शन बना के करना है तो अब यहाँ पे देखिए मैंने स्क्वायर रूट बाय सेक्शन का फंक्शन बनाया उसमें मैंने एक्स पास किया और मैंने थ्रेश होल्ड भी दे दी कि लेट्स से कि आप जो है वो खुद बाद में चॉइस करना चाहें हो सकता है आप कहें कि मुझे थ्रेश होल्ड जीरो ही चाहिए जैसे डिफरेंस चाहिए ना हो सकता है आप और मजीद प्रिस चाहते हो जो अभी गिवन है पॉइंट जीरो वन के बजाय तो आप इस तरह भी इसको पास कर सकते हैं तो इनपुट पैरामीटर्स मैंने इसके दो बना लिए और सेम कोड मैंने लिख लिया जो था और यहाँ पे उसको थ्रेश और एक्स जो है वो एप्सिलॉन की जगह जहाँ पे एप्सिलॉन था यहाँ पे एक्चुअली मैं इधर जो है वो आपका थ्रेश आ जाएगी ये चेंज हो जाएगा यहाँ से ये यह एरर है यह मैंने यहाँ पे लिख दिया अब एक और काम मैंने ये किया कि मैं इस फंक्शन से दो वैल्यूज रिटर्न करना चाहती थी एक तो उसका स्क्वायर रूट और नंबर ऑफ गेसेस ये दोनों चीज़ें मैं चाह रही थी मुझे मिल जाए तो मैंने इसको एक लिस्ट की शक्ल में रिटर्न करवा दी ये यहाँ पे मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया यहाँ से मेरा इसकी फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट होती है मैंने यूजर से एक्स पूछा एप्सलॉन थ्रेश डिफाइन की और मैंने क्या किया स्क्वायर रूट बाई सेक्शन के फंक्शन के अंदर एक्स और एप्सिलॉन जो वैल्यू ये वाली थी वो मैंने पास कर दी ये जब मैंने इसमें पास किया तो अब यहाँ पे ये आ, ये वैल्यू थ्रेश के एवज़ यूज होगी यानी जो भी आपसे लॉन होगा वो इधर आके थ्रेश होल्ड बन जाएगा और आराम से उसकी जगह पे उसकी वैल्यू जो उसकी पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाएगी जो यहाँ पे आप एक्स पास करेंगे वही यहाँ पे एज एक्स जो है वो जिधर जिधर एक्स यूज हुआ होगा इस्तेमाल हो जाएगा लच्छे में यहाँ पे इधर एक्स टू पास करती तो यहाँ पे एक्स टू जो है वो वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाती है और इधर जहाँ एक्स है वो वही रहता शायद आप मेरी बात फॉलो करें कि पोजीशन मैटर करती है जिस सीक्वेंस में आपने पास किया उसी सीक्वेंस में वैल्यूज असाइन होगी और नाम का सेम होना यहाँ पे और यहाँ जरूरी नहीं है जो इधर डिफरेंट नाम है उस इधर आके उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी अब इस फंक्शन से आने वाली आउटपुट को मैंने सेव कर दिया है इस तरह से एक लिस्ट की शक्ल में तो रिजल्ट में, में मेरा स्क्वायर रूट आ गया और गेस एन के अंदर जो है वो मेरे नंबर ऑफ गेसेस जो यहाँ से रिटर्न होंगे वो आएंगे तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास इसकी आउटपुट इसी तरीके से इसी तरह से शो हो जाएगी जो यहाँ पे मेंशन है। तो so जैसे ये आ जाएगा कि प्लीज एंटर एक्स फोर जो नीचे लिखा हुआ है और इस तरह से रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा तो अब ये है कि आप स्क्वायर रूट के फंक्शन को टेस्ट भी कर सकते हैं अभी तो हम वैसे सिंपल यूजर से इनपुट करवा के टेस्ट कर रहे थे तो हम अगर इसका कोड लिख लें सेम काम को अब यहाँ सेम फंक्शन जो है वो x पावर अब तीन चीजें कर दी है पहले मैंने एप्सिलॉन भी रखा हुआ था अब इधर x पावर भी डाल दिया कि हम अगर स्क्वायर रूट की पावर को भी देखना चाहें कि वो क्यूब रूट है या वो कौन सा रूट है उस तर्ज पे भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं सेम काम सिर्फ यहाँ पे जिधर हम स्क्वायर ले रहे थे उधर अब हम पावर लेना शुरू कर देंगे और डिफरेंस पावर के रिस्पेक्ट से चेक करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेटमेंट का होगा कि अगर एक्स लेस देन जीरो है और पावर जो है वो टू के ऊपर डिवाइड हो रही है तो हमने आ, कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो ये फंक्शन की लिमिटेशन है वो लिमिटेशन हमें कहाँ से पता चल रही हैं वो इस डॉक स्ट्रिंग से पता चल रही है जिसमें वो ये जिस बता रहा है कि अज्यूम एक्स एंड एप्सिलॉन एंट और फ्लोट होंगे हमारी ये जम्पशन है पावर जो है वो इंटीजियर की डेटा टाइप का होगा एप्सिलॉन जो है वो जीरो से बढ़ा देंगे हमेशा और पावर जो है वो हमेशा वन से बड़ी आएगी ये हमारी जम्पशन है इस फंक्शन को बनाते हुए कि यूजर हमेशा इस तर्ज पे वैल्यूज जो है वो देगा और इस फंक्शन की आउटपुट क्या आएगी फ्लोट वाई सच दैट जब आप वाई की पावर लेंगे तो वो एप्सिलॉन की रेंज में आएगा यानी स्क्वायर रूट जो है वो प्रॉपर थर्श होल्ड में आ जाएगा इस सच अ फ्लोट डज नॉट एग्जिस्ट इट रूटर्न अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी ना आ जाएगी अच्छा अब इस इस ये जो फंक्शन है ये तो हमने लिख लिया अब इस लिखने के बाद इसको टेस्ट करना जो है वो क्या है ये असल में उसी बुक से लिया हुआ है जिसका नाम मैंने शुरू में मेंशन किया था तो टेस्ट फाइंड रूट क्या करेगा इसमें ये वही काम है जैसे मैं मेन ब्लॉक में कर रही थी इसके लिए हमने अलग फंक्शन लिख लिया तो इसमें हमने एप्सिलॉन की वैल्यू डिसाइड की और एक्स की ना मल्टीपल वैल्यूज जो है ना वो लिख ली है जीरो पॉइंट टू फाइव ये 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 हमने एक टपल की शक्ल में लिखा है जो चीज़ हम स्मॉल ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखते हैं वो टपल होती है तो हमने कहा कि एक्स जो है वो इन्हीं में से वैल्यूज ले सकता है इन सब का हमने जो है वो फाइंड करना है स्क्वायर रूट और हमने अब क्या किया कि उस हर एक एक्स की वैल्यू के लिए जो है ना वो मल्टीपल स्क्वायर रूट की टाइप्स कर दी स्क् एक हमने कर दिया है सिंपल वन की पावर के साथ एक हमने टू एक हमने क्यूब की पावर के साथ हमने जो है वो डिफाइन कर दिया कि क्यूब रूट भी हो सकता है सो ऑन तो हर एक्स के लिए ये सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट होंगी तो अब जो है जब हम आते हैं यहाँ पे तो यानी डबल लूप लगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स हमें उसकी डिफरेंट पावर्स प्रोवाइड करनी है तो फॉर टेस्टिंग एक्स प्लस एस टी आर एक्स ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए और कौन सी पावर के लिए हम प्रिंट करवा रहे हैं और फिर रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमने फाइंड रूट जो है वो इन वैल्यूज के साथ कॉल कर दिया है अगर रिजल्ट नन है तो हम कहते हैं नो रूट अगर रिजल्ट नन नहीं है तो हम वो रिजल्ट जो है वो शो करवा देते हैं तो जब आप ये टेस्ट फाइंड रूट का फंक्शन ट्राई करेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर आपके प्रोग्राम को चेक करके बता देगा तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं यानी कि ये बेहतर एक अप्रोच है कि आप अपना जो भी फंक्शन है उसको टेस्ट करने के लिए इस तरह से एक फंक्शन लिख लें ताकि ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं वो चेक हो जाती हैं अच्छा अब जो है वो थोड़ी सी स्कोपिंग के ऊपर डिस्कशन कर लें कि वेरिएबल के स्कोप से क्या है पाइथन में एक और इजाज़त है इस तरह की कि आप ये देखिए फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन के अंदर आप फंक्शंस भी बना सकते हैं लेकिन ये जो फंक्शंस हैं जो इसके अंदर बने हुए हैं ये लोकल हैं इस फंक्शन के ठीक है लोकल स्कोप में एक लोकल स्कोप होता है एक ग्लोबल स्कोप होता है लोकल स्कोप का मतलब ये है जैसे लोकल है कि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है ठीक है तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो बाहर की दुनिया को नहीं पता कि वो लोकल चीज क्या है ठीक है जब तक कि आप इम्पोर्ट नहीं करते तो वो जब इम्पोर्ट करते हैं तो वो ग्लोबल चीज बन जाती है एक ग्लोबल चीज़ है जो हर एक इस्तेमाल में है जो बाहर है उसको पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर सकता है उसको कोई और मुल्क भी इस्तेमाल करता है तो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है यहाँ पे टैंप का एक फंक्शन बनाया उसके अंदर दो फंक्शंस बनाए इसी टैंप के अंदर या आप इंडेंटेशन देख लें इस फंक्शन के अंदर ये कुछ लाइंस लिखी हुई है एक्सप्रिंट हो रहा है फिर एज का फंक्शन ये कॉल हो रहा है फिर जी का फंक्शन कॉल हो रहा है जो ये है फिर एक्सप्रिट हो रहा है और जी जो है वो रिटर्न हो रहा है अब यहाँ पे जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है तो हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड है जो इस फंक्शन से बाहर है तो अब अगर हम ये देखें कि इस फंक्शन के अंदर भी एक्स का वेरिएबल बना हुआ है इसमें एज के अंदर जी का वेरिएबल बना हुआ है यहाँ बाहर भी एक्स का वेरिएबल बना हुआ है और इस फंक्शन के बाहर भी एक्स और जी के बताती तो 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 हूँ so, so, पहली दफा आपका फंक्शन कॉल होता है फंक्शन की कॉलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से बगैर फंक्शन कॉलिंग के काम नहीं हो सकता तो एक्स इक्वल टू तो थ्री पहले आपकी वैल्यू सेट हो गई ठीक है फिर आपका एक जी का वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू जो है वो टेम्प ऑफ एक्स की इक्वल थी जो टैम्प का फंक्शन था अब यहाँ पे जब तक टेम्प ऑफ का ऑपरेशन कॉल नहीं होता आगे नहीं स्टोरी जा सकती जब टैंप कॉल हुआ तो टैंप के अंदर जाने से हमारे पास जी और एज के फंक्शन ये तो नहीं कॉल होंगे इधर जाएगी बात यहाँ पे क्या होगा कि एक्स में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा अब इस टैंप के अंदर एक्स की वैल्यू पास हुई हुई है थ्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक एक्स का वेरिएबल और उसके अंदर थ्री प्लस वन क्योंकि इनपुट में एक्स जा रहा था उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर जब आप करेंगे print x equal to this, तो ये x equal to 4 हो जाएगा क्योंकि x की फोर थी। फिर होगा का फंक्शन यानी कि अब इसके बाद अगली कॉलिंग है एज जब एज कॉल हुआ तो इस एज के अंदर आगे फर्दर एक वेरिएबल बना जी जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई एक्स के एक्स आप कहेंगे यहाँ पे क्या है इसको अपने फंक्शन में ढूंढेगा उसको नहीं मिलेगा अपने बाहर वाले स्कोप के फंक्शन के अंदर देखेगा उसको पता चलेगा कि बाहर जो है ये वाला एक्स बना हुआ है वो इस वैल्यू को इस एक्स के इक्वल कर देगा जो ये फोर है इमीडिएट फोर फोर के इक्वल कर देगा ठीक है उसके बाद जब ये एच प्रिंट जी होगा तो जी की वैल्यू क्या फोर प्रिंट हो जाएगी एच का फंक्शन पूरा हो गया उसके बाद अगली कॉलिंग हुई है जी का फंक्शन अब ये इससे बाहर आ गया तो यहाँ पे जी का फंक्शन कॉल हो गया जब जी का फंक्शन कॉल हुआ तो जी के अंदर एक्स का वेरिएबल एक नया बन रहा है इसके अंदर इंडिविजुअल एक वेरिएबल बनेगा एक्स इक्वल टू जिसकी वैल्यू सेट हो जाएगी ए बी सी और फिर प्रिंट होगी वैल्यू एक्स की जो कि क्या हो गई ए बी सी है इमीडिएट पिछली वैल्यू ये थी उसमें क्या हो गया ए बी सी प्रिंट हो गया अब जी के फंक्शन खत्म हो गया ये बात भी खत्म हो गई फाइनली फिर क्या प्रिंट हुआ ये जो अगली स्टेटमेंट है प्रिंट प्रिंट एक्स 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 इज इक्वल टू जो भी X की वैल्यू है अब इक्वल टू क्यों नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ये इसके स्कोप से बाहर है ये एक्स कौन सा है ये वो वाला एक्स है जो कि इसके स्कोप में बना हुआ है जो कि ये है एक्स इक्वल टू फोर ठीक है तो अब क्या हुआ एक्स इक्वल टू फोर जो है वो प्रिंट हो गया और फिर अगेन क्या हुआ जी जो है वो रिटर्न हो गया जब जी रिटर्न हुआ इस फंक्शन ने यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे क्या था जी रिटर्न हो गया इसका मतलब है कि जो जी की वैल्यू है यहाँ पे क्या हमारे पास सेट हो गई जी एक आपके पास फंक्शन आ गया ये वैल्यू नहीं है जी जो है वो पूरा फंक्शन रिटर्न हुआ सो ये फंक्शन है अच्छा अब ये जो फंक्शन जब रिटर्न हुआ तो आपने यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू प्रिंट की अब आप बाहर आ गए हैं तो अब इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इसके स्कोप में जी के स्कोप में एक्स की वैल्यू क्या पड़ी हुई है थ्री पड़ी हुई है तो क्या होगा थ्री प्रिंट हो जाएगा जब आप जी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जी तो हमें पता है एक फंक्शन है तो जब जी प्रिंट होगा उसने बता दिया कि जी इज अ फंक्शन ठीक है विच इज पार्ट ऑफ द टेम्प फंक्शन और टेम्प फंक्शन का लोकल फंक्शन है जी और ये इस एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है फिर फाइनली आप क्या करते हैं जी को कॉल करते हैं जी जो है वो चूंकि जी का फंक्शन है तो जब मैं जी को कॉल करूंगी जी का वेरिएबल एक जी का फंक्शन रिटर्न करेगा और जी का फंक्शन जब कॉल होगा मैं दोबारा जी के अंदर जाऊंगी और जी के अंदर जाने से एक एक्स का वेरिएबल बनेगा ए बी सी और फिर वो वैल्यू जब प्रिंट होगी तो वो हमारे पास क्या है ए बी सी तो ये ए बी सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा तो so, ये जो स्टैक फ्रेम्स हमने शो किए हैं इसमें f का मतलब है temp ठीक है f जो है वो temp आपके पास फंक्शन है तो जब आपने पहला जब बाहर वाले सबसे इस इस लूप के अंदर थे या इस स्टेटमेंट में थे तो आपके पास जो वेरिएबल्स थे वो f x और z थे तो ये तीन चीजें थी हमारे पास जब हमने इसके बाद कॉल किया f का फंक्शन तो जब हम f के फंक्शन के अंदर आए तो इसका अपना एक स्टैक फ्रेम बन गया जो कि ये था जिसके अंदर जो चीजें बनी थी वो एक एज का फंक्शन था जी का था और ये एक्स का वेरिएबल बना हुआ था तो इसके अपने है है पे भी एक्स एक्स और ये इसका अपना X का वेरिएबल बना हुआ जब हमने एज को कॉल किया तो एज को कॉल करने से जी का अलग वेरिएबल सेट बन गया एक अलग स्टैक फ्रेम बन गया जो कि यहाँ पे मौजूद है ये हमारे पास एफ का स्टैक फ्रेम है और ये उससे बाहर वाले का स्टैक फ्रेम है फिर जब आप एज कॉल करके वापस आए तो वो जी का वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया वो खत्म हो गया और वही पुराने वाले हमारे पास वापस आ गए जो थे जब आपने जी के फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो जी के फंक्शन को कॉल करने से एक्स का उसका अपना लोकल वेरिएबल बन गया वो इधर आ गया और बाकी जो बाहर वाले हैं वो ऐसे ही रहे फिर जब जी का फंक्शन कॉल होकर वापस आ गया तो फिर हम उसी स्टेट पे फिर वापस आ गए जब f का फंक्शन कॉल होके वापस आ गया तो फिर हम उसी स्टेट पे वापस आ गए जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे जो स्टार्ट के ऊपर तो ये अब आप, आप तरतीब देख रहे हैं कि इस तरह से जब भी कोई फंक्शन कॉलिंग होती है तो उनका अपना एक लोकल स्टैक फ्रेम भी बनता है जिसपे इंफॉर्मेशन सेव होती है वो जो डॉक स्ट्रिंग्स वाली बात थी जो हम कह रहे थे कि अब फंक्शन आपने लिखना सीख लिया है देख लिया बनाते कैसे हैं तो अब ये भी एक बात होती है कि हमें सिर्फ खुद तो काम नहीं करना होता जब हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं तो मल्टीपल लोग होते हैं जो हमारा कोड जो है वो देख रहे होते हैं समझ रहे होते हैं मल्टीपल फाइल्स होती हैं एक ही फाइल के अंदर हो सकता है सौ दो सौ एल को लिखने पड़ जाए तो जब आप इतने सारे फंक्शन बनाएंगे तो जब तक कोई गाइडलाइंस या हेल्प डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी तो इस जब हम क्या करते हैं कि ये लिखने का क्या तरीका है जैसे मे बी आप ये फंक्शन बनाए प्रिंट ग्रीटिंग्स का और आप इस तरह से मेंशन करेंगे ट्रिपल कोट्स में यानी कि एक ये ये और ये ट्रिपल कोट्स में अपना स्ट्रिंग लिखेंगे और इसको एंड कर देंगे इस स्ट्रिंग में आप क्या लिखते हैं डेफिनेशन वगैरह लिखने के बाद कि आपका फंक्शन क्या ज्यूम कर रहा है कि उसके इनपुट पैरामीटर्स किस तरह के होने चाहिए और फिर फाइनली कि आपका फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा यानी कि क्या आउटपुट दे रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा था बाई सेक्शन मेथड में उसके बाद ये ट्रिपल कोर्स में लिखने के बाद आप अपनी लाइन्स लिख लें और फाइनली जब आप ये देखें प्रिंट ग्रीटिंग्स आप कॉल करेंगे तो वो ट्रिपल कोर्स वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई आपके जो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ वो एग्जीक्यूट हुई हैं ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका कौन सा इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है कि हेल्प का एक फंक्शन है जब आप वो कॉल करेंगे तो ये यूज हो गए अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसी तरह से जब इस पेलेंड्रॉम का फंक्शन है जो ये चेक करे कि आने वाला स्ट्रिंग जो है वो पेलेंड्रॉम है कि नहीं पेलेंड्रॉम का मतलब ये है कि राइट right से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट right रीड करें तो वो एक ही वर्ड बने जैसे कि मैडम है ठीक है तो ये जो है वो आपका पेलेंड्रॉम होगा तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेटर जो है वो पेलिंड्रॉम है फॉल्स है अदरवाइज और अज्यूम क्या कर है कि एस इज अ स्ट्रिंग तो इस तरह से जब आप फंक्शन लिखेंगे तो आप अपने डॉग स्ट्रिंग्स जो है वो बनाएंगे तो जब डॉग स्ट्रिंग्स अगर आपने देखने हैं तो उसका तरीका क्या है आप हेल्प लिखें और स्मॉल ब्रैकेट्स लिखें और उसके अंदर फंक्शन का नाम पास कर दें तो वो क्या करेगा वो ये करेगा कि आपको उसकी हेल्प प्रोवाइड करेगा और ये बताएगा वो वाली स्टेटमेंट जो डॉग स्ट्रिंग आपने मेंशन किया हुआ था तो आप ये देखें इसने वो प्रिंट कर दिया ज्यूम्स नथिंग एंड प्रिंट्स ग्रीटिंग मैसेज एंड रिटर्न नथिंग ठीक है ये कोई इतनी अच्छी स्टेटमेंट नहीं मैंने लिखी हुई लेकिन प्रॉपर ये नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं अच्छा अब ये ही जो चीज़ है ना ये स्पेसिफिकेशन है ये डॉक स्ट्रिंग आपकी स्पेसिफिकेशन है जिसका आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को टेकअप करना उस हिसाब से काम बनाना ये एक चैलेंजिंग काम होता है तो स्पेसिफिकेशन ये क्या होती है ऑफ ए फंक्शन इट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके दरम्यान में जो कि फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और उसके दरम्यान में हु विल बी राइटिंग प्रोग्राम दैट यूज दिस फंक्शन जो कि आपके फंक्शन को यूज कर रहा होता है क्योंकि उस फंक्शन उसने आपका फंक्शन तभी यूज करना है किस हिसाब से इस स्ट्रिंग को देख के उसने आपकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं ना देखनी उसने आपका ब्लैक बॉक्स नहीं देखना उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनपुट इस तरह का होना चाहिए और इस फंक्शन से मुझे ये आउटपुट मिलेगी तो जब तक आप स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली आपने लिखी हुई हैं वो नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हो जाएगी जैसे मैं अगर आपको कहूँ की वन टू थ्री है तो ये जो है आपने लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ फाइंड करेगा लेकिन ये मुझे रिटर्न कर रहा हो एट तो ये अब आपके लिए एक मसला बन जाएगी बात के लिखा कुछ है किया कुछ है तो स्पेसिफिकेशन जो है जो है वो जरूरी होती हैं के उसको उससे उसको फॉलो करना जरूरी होता है तो जो हमारे फंक्शन के यूजर्स होते हैं उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं ठीक है आपके साथ ही डेवलपर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं सो क्लाइंट एक्चुअली में ये टर्म जो है वो और तरह के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन में अपने सिर्फ डेफिनेशन के परस्पेक्टिव से क्लाइंट उसको कहेंगे जो कि आपके फंक्शन को यूज कर रहा होगा अब इस कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से होते हैं ये दो हिस्से हैं पहली बात ये कि एजम्प्शन क्या है दूसरी बात ये कि आप गारंटी क्या कर रहे हैं कि क्या चीज़ रिटर्न होगी एजम्पन वो है कि जो कि इनपुट आने से पहले होनी चाहिए कि अगर कह दिया कि इनपुट जो है वो जीरो से बड़ा हो तो जीरो से बड़ा ही होना चाहिए ठीक है इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो आ जाए कि कि आपके फंक्शन ने क्या गारंटी करना है जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन था उसको स्क्वायर रूट ही आउटपुट में देना चाहिए विद इन सर्टेन रेंज ऑफ एप्सिलॉन उसको उससे डेविट नहीं करना चाहिए तो जैसे पैलिंड्रोम है रिटर्न्स ट्रू इफ द लेटर इन एस फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज नॉन लेटर्स एंड कैपिटलाइजेशन आर इग्नोर्ड यानी ये हम गारंटी कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है हम जो है वो रिकर्जन देखते हैं कि फंक्शन के साथ रिकर्जन को किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है रिकर्जन जैसे हमें पता है इस तरह के फंक्शन होते हैं जो कि अपने आप को ही कॉल करते जाए बार बार जैसे लैद से अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है जो सिंपल एग्जाम्पल है सबसे आसान एग्जाम्पल तो फैक्टोरियल ये चीज़ है एन फैक्टोरियल एक्चुअली में किसके इक्वल होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इसी तरह से ये चीज किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू एन माइनस वन इन एन माइनस टू का फैक्टोरियल एंड सो ऑन तो जैसे अगर मुझे कोई कहे कि फोर का फैक्टोरियल लेना है तो इट इज इक्वल टू फोर क्रॉस थ्री क्रॉस टू क्रॉस वन और बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है तो इट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो ये फैक्टोरियल है अब असल में क्या हो रहा है कि काम एक ही काम जो है वो बार बार हो रहा है यानी कि रिकर्सिव वे में हो रहा है तो इसको जब हमें कोड लिखना होगा तो हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो पहली बात है कि ये रुकता कहाँ है इसका बेस केस क्या है जब हम कोई फंक्शन काम जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पहली चीज ये देखनी पड़ती है कि उसकी स्टॉपिंग कंडीशन कौन सी है जहाँ पे इसने फाइनली एंड होना है तो अब यहाँ पे जब आप हाँ फैक्टोरियल के केस में बात करते हैं तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि जब फाइनली माइनस करते करते एन की वैल्यू वन हो जाए तो जब हमारे पास जो तो पहली स्टेटमेंट में भी ये हो कि मैं अगर फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना चाहूँ वो भी रिकर्सिव फंक्शन तो मैं फैक्ट ऑफ एन लिखूँ क्योंकि एक इनपुट जो इसमें जा रही है तो पहली इसकी लाइन होगी कि इफ माय एन इज इक्वल टू वन तो फिर रिटर्न क्या करना है फंक्शन है इट शुड रिटर्न वन ओनली ठीक है उसके बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि जो अगला काम है वो उसे किस तरह से करवाना है तो अगला काम हमें ये पता है एल्स यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ तो इट वुड बी इक्वल टू क्या उसको रिटर्न करना चाहिए फंक्शन को रिटर्न करना है एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन सिंपल इजार्ट तब होगा क्या कि जब फैक्ट ऑफ मैं फोर कॉल करती हूँ तो कंडीशन क्या चेक होगी इफ़ एन इज डबल इक्वल टू वन फॉल्स तो रिटर्न क्या करेगा ये वाला पोर्शन ये पोर्शन रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ एन माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा एन फोर है और फैक्ट का फंक्शन दोबारा रिटर्न होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें थ्री आ जाएगी इसी तरह से अब क्या होगा कि जब कॉल होगा हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें फैक्ट ऑफ थ्री की वैल्यू नहीं पता तो फैक्ट ऑफ थ्री जो है वो अगेन हमें क्या रिटर्न कर देगा थ्री क्रॉस फैक्ट ऑफ टू इसी तरह से दोबारा फिर से फैक्ट ऑफ टू कॉल होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ वन जब फैक्ट ऑफ वन कॉल होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एन वन के बराबर है हाँ जी एन वन के बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा वन तो इसका मतलब है जब फाइनली बात बेस केस तक पहुँचेगी तो वन रिटर्न हो जाएगा और इवेंचुअली इस पूरे इस पूरी की जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई होगी और जो मेन कॉल है पेरेंट को वो रिटर्न हो जाएगी तो मेन कॉल इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो है वो ट्वेंटी फोर हो जाएगा सो so, ये रिकर्जन है रिकर्जन का मतलब क्या है कि अपने आप को ही कोड जब बार बार कॉल कर रहा हो तो वो रिकर्जन कहलाते हैं तो इस तरह के फंक्शन जो है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ के रिक फंक्शन में हमारी मेमोरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होता है क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक फंक्शन कॉल अभी मौजूद है इस पॉइंट के ऊपर जिसने एग्जीक्यूट होना है इस पॉइंट पे ये पीछे बैकलॉग है और ये कॉल अभी एग्जीक्यूट होना है अगर यहाँ पे मैं फैक्ट ऑफ फोर हंड्रेड दिख दूँ तो आप सोचें कि यहाँ पे कितना बड़ा पीछे स्टैक जो है वो क्रिएट हो जाएगा फोर हंड्रेड क्रॉस जो है वो थ्री नाइन्टी नाइन क्रॉस सो ऑन और आखिरी वैल्यू जब तक हम अन तक नहीं पहुँच जाते तो इसमें क्या होती है कि मेमोरी पहले जो है वो ग्रो करती है अब फिर वापस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है तो ये डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया असल में होगा ये कि ये जो वन है ये अपने पिछले फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा टू से मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा फोर क्रॉस थ्री क्रॉस टू फिर उसके बाद टू और थ्री अपनी पिछली कॉल को यहाँ पे रिटर्न करेंगे और आंसर यहाँ पे आएगा फोर क्रॉस सिक्स और फिर यहाँ पे फाइनल इफेक्ट ऑफ थ्री की जगह सिक्स जब आ जाएगा तो सिक्स फोर से मल्टीप्लाई हो गए ट्वेंटी फोर आंसर आएगा जो कि मेन पेरेंट को कॉल जो है वो रिटर्न होगी तो पहले मेमरी जो है वो ग्रो करती है और फिर मेमरी जो है वो श्रेंक करना शुरू कर देती है तो अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो कि हमने रिकर्सिव मैनर में बनाई है और बुक से ही लिया जो बुक आपको मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी इस एग्जांपल में आप देखें कि हम पेलेंड्रॉम जो है वो फाइंड कर रहे हैं कि पेलेंड्राम बता रहे हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग एस है वो पेलेंड्राम है कि नहीं है अब इस फंक्शन को बनाने के लिए दो हेल्पर फंक्शंस की हमें जरूरत पड़ी एक टू करेक्टर्स और एक इस्पैल का फंक्शन इस मेन पेरेंट फंक्शन के अंदर दो सब फंक्शन है अब होता यह है कि ये जो मेन पेरेंट फंक्शन है हमारा इस्पैल एंड्रॉम ये क्या करता है अगर आप इसकी इंडेंटेशन देखें तो इसमें तीन चीजें हैं एक ये फंक्शन एक ये और एक रिटर्न स्टेटमेंट है बस जब आप इस पैलेंट्रॉम को लेट से एक स्ट्रिंग से पास करते हैं मैंने इस फंक्शन को कॉल किया इस लाइन के ऊपर मैंने इस पैलेंड्राम को मैडम के साथ कॉल किया तो हुआ ये कि जब इसने क्या रिटर्न कर दिया इसने रिटर्न कर दिया इस पाल को कॉल इस पाल के फंक्शन को इसने कॉल किया और इस पाल के फंक्शन के अंदर इनपुट किया जा रही है टू करेक्टर्स का फंक्शन कॉल हुआ है एस के ऊपर तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्या वैल्यू है एस हमारे पास क्या इस टाइम मैडम है तो अब टू करेक्टर्स में जब हम मैडम पास करेंगे तो एस जो है वो हमारे पास इस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है मैडम है इन स्ट्रेंथ जाइए अब हम क्या करते हैं कि s को इक्वल कर देते हैं s लोअर केस जो भी वैल्यू आ रही है वो स्मॉल सारे स्मॉल कर देते हैं यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं लेटर्स को एम्प्टी कर देते हैं फिर लूप एग्जीक्यूट होता है उस लूप में हम हर कैरेक्टर लेते हैं s में s ये है इस टाइम पे हमारे पास इसका हर कैरेक्टर पहली दफा m आएगा तो कहते हैं इफ m इज इन दिस यानी छोटी abc में से m अगर कोई भी वैल्यू है तो सिंपल हमने क्या करना है हमने लेटर्स जो है उसमें वो करेक्टर ऐड कर देना है तो लेटर्स का जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वो करेक्टर जो है वो ऐड हो जाएगा फिर इसी तरह से अगले करेक्टर के लिए ए ए चलेगा ए जो है वो यहाँ पे जब आएगा तो ए बीच स्मॉल ए बी सी में है तो लेटर्स में क्या हो जाएगा ए बी एड हो जाएगा तो वो लेटर्स आपका एम ए हो जाएगा सो ऑन so आपकी ये जो अरे बन जाएगी मैडम की पूरी अरे द्वारा बन जाएगी सो so बेसिकली ये टू करेक्टर्स सिर्फ ये कर रहा है कि लेटर्स में एक आपको क्या कर रहा है लिस्ट बना के दे रहा है और उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो सारे करेक्टर्स जो है वो उसके अंदर पड़े हुए होंगे तो फिर जब टू करेक्टर सिंपल उसने इसकी कन्वर्जन कर दी हमारे पास तो इस पाल जब कॉल हुआ उस स्ट्रिंग के ऊपर तो इस पाल अब मैडम के ऊपर जब कॉल होगा तो क्या चेक होगा कि उस ट्रिंग की लेंथ क्या है अगर उस ट्रिंग की लेंथ वन से लेस है तो इस पाल टू रिटर्न कर देगा तो हमारे केस में जो थी वो उसकी लेंथ इसकी कितनी है हमारे पास इसकी लेंथ हमारे पास पाँच है तो पाँच जो है वो वन uh, से कम नहीं है इना वन है क्योंकि अगर कोई सिंपल एक करेक्टर है तो वो पेलेंड्रोम है क्योंकि उसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें राइट टू लेफ्ट पढ़ें, तो दोनों केसेस में सेम रीड होगा दोनों साइड से तो इसलिए हम इस केस में टू रिटर्न कर देते हैं लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जो है वो लेंथ वन से बड़ा है तो हम क्या चेक करते हैं हम जो लिस्ट के लिए हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग uh, तो उसमें हम ये ये चीज चेक करें कि जैसे ये मैडम है तो मैडम में इस लिस्ट की जो पहली वैल्यू है एम एस ऑफ जीरो स्ट्रिंग की पहली वैल्यू क्या वो बराबर है इसकी आखिरी वैल्यू के एस ऑफ माइनस वन का मतलब है कि स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू को गेट कर ले तो ये चेक कर है कि ये वैल्यू इसके बराबर है अगर तो बराबर है ठीक है तो अब क्या करना है अब आपने इस पाल को दोबारा कॉल करना है लेकिन अब कितनी लिस्ट की वैल्यूज के ऊपर इंडेक्स वन से स्टार्ट करना है और इंडेक्स कहाँ तक जाना है माइनस वन तक तो जिसका मतलब है कि ए डी ए इस पाल को क्या पास हो जाएगा ए डी ए क्योंकि लास्ट इंडेक्स उसके अंदर इनपुट नहीं होता तो जब इस पाल में ए डी ए कॉल होगा अगेन यहाँ पे हम जाएंगे तो ए डी ए की जो लेंथ है वो वन से छोटी है ये फॉल्स है तो इधर आ जाएगा अब चेक होगा एस ऑफ जीरो ये वाली वैल्यू किसके साथ एस ऑफ माइनस वन के साथ ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा इस पाल दोबारा कॉल हो जाएगा अगले इंडेक्स और माइनस वन तक यानी कि अब इस पाल जो नेक्स्ट कॉल होगी इस पाल को जाएगी वो डी के साथ जाएगी जब डी के साथ जाएगी तो हम देखेंगे कि डी की लेंथ वन है string की तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा जिसका मतलब ये ये है कि इसके ऊपर उप, ऊपर ऊपर वाली call के ये भी true return हो भी होगा, 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 उससे जाके फिर true return जब तीनों calls में true return तो finally इसका मतलब है कि इस overall जो है वो हमें ट्रू दे देगा तो हमारा ये जो टोटल रिटर्न कॉल है ये ट्रू होगी तो ये जो तरीकाकार कार है ये क्या है में हमने इस पेलड्रॉम को सॉल्व किया बस एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे हम नोट कर लें वो ये कि कंजंक्ट्स हम उनको कहते हैं जो कि एंड के साथ कनेक्टेड हूँ जैसे ये और ये ये कन्जंक्ट स्टेटमेंट्स में आते हैं क्योंकि एंड के साथ कनेक्टेड है अगर यहाँ पे और हो तो इनको हम डिसजंक्ट्स बोलते हैं ये जो ये हमने भी सारा प्रोसीजर है हमने अप्लाई किया थोड़ा सा हमने क्या किया हमने शॉर्ट सर्किट एवेलन किया है इसको हम आगे जाके कर तो तफसील से देखेंगे कि ये क्या होता है और ये जो प्रोसेस है ये भी एक और आगे कंसेप्ट आएगा और जो कुछ हमने क्लासेस में पढ़ा भी है विच इज़ तकरीबन ये सिमिलर है डिवाइड एंड कनगर का जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने मेन मसले को डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद अपने काम को छोटे कामों में डिवाइड करते हैं एक बड़ा काम है और फिर वो छोटे काम जब वो पूरे हो जाते हैं तो वो अपने मेन काम को अपने अपने आंसर्स प्रोवाइड करते हैं और मेन काम जो है वो सॉल्व हो जाता है ये हमने जो इस पाल का काम कुछ इस तरीके से ही किया है कि हमने पहले मैडम का था मैडम के लिए हमने पहले ये इनको सॉल्व किया फिर अगली दफ़ा हमने ए डी ए को सॉल्व किया फिर हमने इसको सॉल्व किया फाइनली हमने डी को सॉल्व किया तो ये कुछ उस उससे भी सिमिलरिटी मिलती है जिसकी भी तफसी हमने इन शक्चर्स में देखेंगे हम ये देखते हैं कि पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं हमने पीछे वेरिएबल्स का स्कोप पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि सारे फंक्शंस जो हैं उनमें हम वेरिएबल्स लोकली बना सकते हैं बाजात ये काम होता है कि हम लोग के लिए काम नहीं कर सकते जैसे मे बी आपको ये पता है कि पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन जो है उसका एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो ट्वेंटी टू पॉइंट लेट सेवन करोड़ है ये हमें जो है ना इस वेरिएबल की वैल्यू पता है लेट्स ज्यूम तो ये एक्चुअल सिंटेक्स नहीं है ये मैं आपको सूडो फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि करोड़ के लिए आपको जो है वो फिर आगे सेवन जीरो जो है वो डालने पड़ेंगे या आपको इस शक्ल में कुछ लिखना पड़ेगा तो पॉपुलेशन की जो वैल्यू है ये आपको पता है ये सॉर्ट ऑफ एक कभी फिलहाल ग्लोबल ग्रोथ है अगर आपके साथ काम करने वाले कोई पचास डेवलपर्स और हैं काप हैं और भी लोग हैं जो कि मल्टीपल फाइल्स में काम करें और उनको उनमें से तीस लोगों को जो है वो इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हर एक जो है वो अपनी फाइल के अंदर अपना स्पेशल वेरिएबल बनाए एक पॉप वन के नाम से बना देता है और वैल्यू जो है वो ट्वेंटी टू लिख देता है एक जो है वो पॉप टू के नाम से बना लेता है और उस की वैल्यू जो है वो 21 लिख देता है एक जो है वो 22.7 ही लिख देता है तो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है तो बाज़ात ये भी होता है कि हमें एक एक स्पेशल वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है एक कांस्टेंट वाली की जरूरत पड़ जाती है जो हर बंदे को जिसकी जरूरत होती है तो उसको हम क्या करते हैं फिर हम उसको ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं ताकि सारी फाइल्स उस वेरिएबल को जो है वो एक्सेस कर सकें एक ही वेरिएबल और हर एक में बनाने की उसको जरूरत ना पड़े वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा तो या फिर ये सारी फ़ाइल्स में या फिर एक ही फाइल के अंदर भी अगर आप ये देखें तो आपने एक फंक्शन लिखा है दूसरे फंक्शन लिखा है और इसमें सेम वेरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इन फंक्शंस के ऊपर वो जो वेरिएबल है वो बना लें और तो वो जो फंक्शन है हर एक फंक्शन को वो वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा तो ये इस केस में भी ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा तो अब इसके फायदे भी हैं इसके नुकसान भी हैं इसके नुकसान क्या है कि अगर तो आपने इसको कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ तो कोई भी फंक्शन चाहे तो इसको चेंज कर सकता है अगर ये यहाँ पे इसको चेंज कर देता है और उसको पता ही नहीं कि ये चेंज हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम ये जूम कर रहे होते हैं कि इस फंक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसमें जो इनपुट आ रही है वो यही आउटपुट देगी क्योंकि एक बात कंफर्म होती है कि इस इनपुट से ये होगा लेकिन अगर ये फंक्शन कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहा है जो कि कोई और चेंज कर देता है तो इसका मतलब यह है कि इसकी फंक्शन की आउटपुट पे असर पड़ सकता है तो फंक्शन का ये भी हो सकता है अनप्रडिक्टेबल हो जाए तो ये बेसिकली जो लोकेलिटी का कंसेप्ट है ये इसको ख़त्म कर देता जितने है जितने आप ग्लोबल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे उतना वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो जाएगा कि अच्छा ये ग्लोबल वेरिएबल है और इस ग्लोबल वेरिएबल को कहीं कोई और चेंज तो नहीं कर रहा अगर वो चेंज कर देता है तो उसकी मैनेजमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट उस हिसाब से आपको करनी पड़ती है तो अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया एक फंक्शन की एग्जांपल दी है जिसमें हमने फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो जनरेट की है 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 अब फिबोनाची सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होती इट इज बेसिकली अ सीरीज एक है जिसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम होते हैं तो लेट्स से अगर पहले दो एलिमेंट्स हमारे पास वन और वन है अगर मैं इसको जीरो से भी स्टार्ट कर लू तो जीरो प्लस वन ये वाली वैल्यू वन है उसके बाद जो है वो वन प्लस दिस वन ये वाली वैल्यू टू है ये थ्री क्यों है क्योंकि ये टू और वन का सम है ये फाइव क्यों है क्योंकि ये थ्री और टू का सम है ये एट क्यों है क्योंकि ये फाइव और थ्री का सम है एंड सो ऑन इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं अब इस फिबोनाची सीक्वेंस का अगर रिकर्सिव कोड लिखें तो उसमें क्या किया है उसमें ये किया है कि पहले जो बेस कैसा है वो हमें पता चल गया है कि जो वैल्यू अगर जीरो आती है या वन अगर एन जीरो या वन हो तो दोनों केसेस में हमें वन रिटर्न करना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड में सीक्वेंस में जीरो को हमने नहीं रखा हुआ तो ये वन से स्टार्ट हो रहा है तो जब आपके पास n की वैल्यू जीरो हो तो आपने आउटपुट वन करना है अगर n की वैल्यू वन हो तो आपने आउटपुट जो है वो वन करनी है इसके बाद टू के ऊपर टू आएगा थ्री पे थ्री आएगा फोर के ऊपर फाइव आएगा फाइव के ऊपर एट आएगा एंड सो ऑन इस तरह से तो n की जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट आपने इस फंक्शन के तहत फिर वैल्यू जो है वो बतानी होगी तो बेस केस तो हमारा ये हो गया कि जब एन जीरो या वन हो दोनों केसेस में हमें वन रिट, रिटर्न करना है उसके अलावा जितने भी केसेस हैं उन केसेस में हमने क्या करना है सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करना है विद एन माइनस वन पिछली वैल्यू और विद एन माइनस टू पिछली से पिछली वैल्यू दोनों को सम करना है यानी प्रीवियस एलिमेंट और फिर क्या है प्रीवियस का भी प्रीवियस एलिमेंट दो एलिमेंट्स के ऊपर हमने सेम फंक्शन कॉल कर देना फिर ये वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन में हम अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट फिफ के नाम से हम क्या करते हैं कि रेंज जो भी आप उसको एन प्रोवाइड करते हैं लेट्स से यहाँ पे हमने टेन के साथ कॉल किया तो अगर टेन है तो ये क्या करता है आए जो है वो ज़ीरो से लेकर यहाँ पे क्योंकि इलेवन ये एन प्लस वन है तो इलेवन तक जाएगा तो इसका मतलब है ज़ीरो से लेकर टेन तक वैल्यूज लेगा तो एलेवन टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा कोड तो अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में हम फ़िबोनाची सीक्वेंस को बारी बारी हर i पे कॉल करेंगे पहले जीरो के लिए कॉल करेंगे इसको फिर वन के लिए कॉल करेंगे फिर टू के लिए सो ऑन फिर टेन के लिए फ़िबोनाची सीक्वेंस को हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक जो हमने वेरिएबल यूज़ किया हुआ वो है फंक कॉल नंबर जो कि ये बता रहा है कि ये फंक्शन जो फिबुनाची सीक्वेंस का ये कितनी दफ़ा कॉल हुआ है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्योंकि रिकर्सिव है तो आप ये देखेंगे बार बार कॉल हो रहा है सो लेट्स से अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने फिबोनाची का जो सीक्वेंस का कोड है वो मैंने फाइव के ऊपर कॉल करना है तो जब फाइव पे ये कॉल होगा तो इसके अंदर आप देखें दो दो दफा फंक्शन कॉल हो रहा है सीक्वेंस सीक्वेंस ऑन ऑन और फिर अगेन जब फोर अलीहदा से कॉल हो रहा है आगे फर्दर फिर सीक्वेंस ऑन थ्री और फिर फिबोनाची सीक्वेंस ऑन टू इसी तरह से यहां पे थ्री भी कॉल होगा फिब ऑफ टू पे और ये भी फेब वन पे एंड सो ऑन हर एक फंक्शन कॉल आगे से दो फंक्शन कॉल्स प्रोड्यूस रही है जब तक कि वो जो है वो जीरो या वन नहीं हो जाता तो यहाँ पे इसलिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फंक कॉल नेम जो कि क्या करता है कि हर दफा ये जब फंक्शन कॉल होता है उसमें एक ऐड कर देता है ठीक है तो हम जब टेस्ट फिब का फंक्शन कॉल करते हैं तो फिबोनाची सीक्वेंस को किसी भी वैल्यू पे कॉल करने से पहले हम इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जीरो सेट कर देते हैं ताकि जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो जो है ये जितनी दफा भी कॉल होता है वो टोटल इसमें आ जाए उसके बाद हम वो टोटल भी प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद फिर अगेन हम एक नई वैल्यू आई के साथ अपना फिब का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं तो अब ये होपफुली आपको कोड समझ आ गया होगा अब इसकी आउटपुट देखते हैं सो so, इसकी आउटपुट अगर मैं ये थोड़ी सी इरेज करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि पहली दफ़ा जब आई ज़ीरो था तो ये कॉल हुआ आई को ज़ीरो के साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या थी वो हमें पता है कि हमारा बेस केस है कि जब जीरो होगा तो आउटपुट जो है वो वन आनी चाहिए तो फिब ऑफ़ जीरो की वैल्यू उसने क्या दी है वन क्योंकि फिब ऑफ़ सीक्वेंस हम ज़ीरो जब कॉल कर रहे थे तो ये ऑपरेशन वन रिटर्न कर रहा है और टोटल कॉल ग्लोबल वेरिएबल्स को कितनी गई एक ही गई क्योंकि एक ही कॉल में फौरन से फैसला हो गया था कि क्या हो रहा है जब आय चेंज हुआ लूप की अगली आइट्रेशन आई आय वन हुआ तो इस केस में जो है वो अगेन क्या हुआ कि हमें पता है कि बेस केस में ये भी हैंडल्ड है तो एक ही कॉल हुई ये बात ध्यान में रखें कि हर दफा हर आइट्रेशन के बाद ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जीरो हम सेट कर रहे हैं उसके बाद अगेन जब आए टू के साथ कॉल हुआ अब यहाँ पे आप देखें कि दो दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ क्यों क्योंकि जब हमने फिब का फंक्शन ये वाला मैं शॉर्टकट में फिब एस लिख रही हूँ टू के साथ कॉल हुआ तो ये आगे फर्दर दो कॉल्स किसको दे रहा है फिब एस ऑफ वन को और फिब एस ऑफ ज़ीरो को तो ये अलग कॉल होता है जो वन रिटर्न करता है ये अलग कॉल देता है जो है जो वन रिटर्न करता और इन दोनों का जो प्लस है वो फेब ऑफ टू बनता है तो इसका मतलब ये दो कॉल्स इसी तरह से हर आई के ऊपर जो कॉल्स हैं वो फंक्शन की वो आप देखें कि बढ़ती जा रही हैं सो तो एट के ऊपर चौंतीस दफा कॉल हो रहा है और टेन के ऊपर एटी नाइन दफा फेब ऑफ सीक्वेंस का कोड कॉल हो रहा है तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अभी ये है जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा भी आपको बना के दिखाया था कि फेब ऑफ फोर के लिए फेब ऑफ थ्री और फिब ऑफ टू चाहिए और फेब ऑफ थ्री यहाँ पे इधर भी नीचे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे भी दोबारा कैलकुलेट हो रहा है तो इस केस में री कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और मेमोरी का यूजेज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्री जैसे जैसे हमारे पास ये वैल्यू ग्रो करती है एन की तो ट्री बड़ी जल्दी हमारा ग्रो करना शुरू कर देता अब एक और चीज़ हम बस देख लेते हैं कि वो मॉड्यूल्स हैं कि फंक्शन जब हमने बनाने हो तो हमने मॉड्यूलर वे में जब काम करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं एग्जांपल भी मैंने बुक से पिक किया है जिसमें लेट्स uh, से कि आपके पास सर्कल के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो आप बनाना चाहते हैं जैसे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है उसकी सर्कम कैलकुलेट करनी है तो हमें पता सर्कल का जो एरिया होता है इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सरकम होती है हमारे पास टू पाई आर अब इस सर्कल के अंदर हम पाई का वेरिएबल बना देते हैं ग्लोबल वेरिएबल 3.14 या ग्लोबल स्कोप के साथ कह लें यहाँ पे तो इधर जो है वो पाए जो है इसलिए हम बड़े आराम से यूज कर पा रहे हैं अब ये हमने सर्कल का कोड अलहदा एक फाइल में लिख लिया अब ये जो कोड है ये अब अगर मैं कहीं और इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो इस फंक्शन को यूज करना चाहती हूँ एरिया और सरकम के तो लट से मैं किसी और फाइल में काम कर रही हूँ मेरी दूसरी फाइल का नाम है मेन फाइल इस फाइल का नाम था सर्कल फाइल मैंने रख दिया अब इसका कोड इधर यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा सर्कल को तो इस तरह जाने से पहले पहले यहाँ पे आसान इधर देख लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर सिंपल लिखा इम्पोर्ट सर्कल ठीक है सिर्फ ये वाली लाइन मैंने लिखी है ये इस लाइन के लिखने के लिए जरूरी है कि सर्कल और मेन दोनों सेम फोल्डर के अंदर पड़े हुए हों फिलहाल ठीक है फोल्डर हम समझते हैं फोल्डर जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी होंगी वहीं पे सर्कल डॉट पी वाई भी होना चाहिए वहीं आपके पास मेन डॉट टी वाई की फाइल भी पड़ी होनी चाहिए तो यहाँ पे जब आप मेन डॉट फाइल में, में इम्पोर्ट सर्कल लिखेंगे और फिर आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं सर्कल डॉट पाई सर्कल डॉट एरिया उसमें फाइव पास करेंगे तो एरिया का फंक्शन कॉल हो जाएगा विद फाइव रेडियस और आपके पास सिंपल उसका एरिया आ जाएगा तो ये आउटपुट जो है वो प्रिंट होगी इस कोड को जब आप रन करेंगे तो रन करने से ये होगा कि जहाँ पे आपने इम्पोर्ट सर्कल लिखा हुआ है वहां पे सर्कल की फाइल के जो फंक्शन हैं वो सारे कंप्यूटर को पता चल जाएंगे वो इधर ले आएगा और उसके बाद आप सिंपल सर्कल डॉट और सर्कल डॉट एरिया करके वो उसके फंक्शन या उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं तो अब एक चीज हमारे पास तो ये आ गई दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर्कल जब हम इसको इस तरीके के साथ लिखेंगे दूसरा तरीका जो आपको मैं बताने लगी हूँ और फिर आप सर्कल डॉट पाए सर्कल डॉट एरिया के साथ कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा कि सर्कल इज नॉट डिफाइंड जब हम इस तरीके से इम्पोर्ट लिखते हैं तो आप इस तरीके से इसको इसके वेरिएबल्स और फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते तो यहाँ पे सही तरीका ये है कि जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे सिंपल पाए और एरिया फाइव आप लिखेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे सो so, ये क्यों है क्योंकि आपने सारे फंक्शन इसको इम्पोर्ट कर लिए हैं तो अब वो नॉर्मली उस वो इसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सारे फंक्शन इसी फाइल के अंदर आ गए हैं सारे वेरिएबल्स इसी फाइल में आ गया है तो आपने आराम से उनके नाम लिखे हैं तो आपके मिल गए जबकि यहाँ पे इस केस में स्पेसिफ़िकली चूँकि आपने बाइंडिंग्स हैं वो नहीं प्रोवाइड की हुई थी तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है इम्पोर्ट सर्कल करने से सर्कल डॉट पाए और सर्कल डॉट एरिया के साथ ही आप इस सर्कल के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं तो ये जो डॉट है ये स्पेसिफिकली जो नोटेशन है वो मशहूर है इसको हम डॉट नोटेशन बोलते हैं जो कि आगे क्लासेस में भी का, आ, काम आएगी जब हम क्लासेस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे होंगे तो तीखे कार यही है फाइल का नेम डॉट जो भी आपने आगे उसको पास करना है वो और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो डॉट करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम डायरेक्टली नाम लिखेंगे तो एक्सेसिबल हो जाएगा अब फाइनल ये कि हम एक थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली है अगर आपको इसकी समझ आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फंक्शन जो है वो उसका एक और इस्तेमाल देखा है जिसमें हमने बबल सॉर्ट का अलगोरदम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है बबल सॉर्ट का अलगोरदम क्या करता है कि आपके पास जो लिस्ट आ रही होती है जैसे ये इनपुट लिस्ट है ये हमारे पास फंक्शन है अब अगर इसकी आपको मजीद समझ नहीं आए तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है डिबगिंग विद पाई चाम जिसमें मैंने बबल सॉर्टिंग की इसी सेम कोड के ऊपर डिबगिंग जो है वो की है तो इसमें अब क्या होगा इसको हम एक दो आइट्रेशन के लिए चला के देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे शॉर्ट करें तो लेट्स ए गिवन लिस्ट हमारे पास ये थी ये सॉर्ट नहीं हुई हुई आपने बबल सॉर्ट के ऊपर ये लिस्ट वन पास की तो अब क्या होगा सो इनिशियली लिस्ट ये थी पहला स्टेटस इसका ये है तो यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ माइनस वन फोर जीरो माइनस फोर थर्टी सिक्सटी फाइव नाइन्टी थ्री और टू और इसके इंडेक्स की वैल्यूज भी लिख देती हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब क्या होगा जब बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम इस लिस्ट के साथ कॉल होता है लेंथ का वेरिएबल सेट हो जाएगा उसकी लेंथ के इक्वल और लेंथ हमारे पास है एट दो लूप्स लगे हुए पहले लूप में क्या होगा आई चलेगा हमारे पास जीरो से लेकर सेवन तक ठीक है और जे चलेगा हमारे पास जीरो से लेकर जो है वो एट माइनस वन यानी सेवन माइनस आई तक ठीक है अब जो है हमारे पास क्या होगा फर्स्ट टाइम पे आई की जो वैल्यू है वो जीरो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है अंदर जो है वो इस लूप के इस लाइन के ऊपर आया जे की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू जीरो हो गई अब फिर इस लाइन के ऊपर आया यहाँ पे चेक हुआ लिस्ट ऑफ जे लिस्ट ऑफ जे क्या है लिस्ट ऑफ जीरो माइनस वन है ये वाली वैल्यू है इज माइनस वन ग्रेटर देन जे प्लस वन क्या ये वाली वैल्यू इससे अगली वैल्यू जे प्लस वन यानी जीरो प्लस वन से बड़ी है नहीं बड़ी नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी इस यहाँ पे हम ऊपर इस वाली जगह पे वापस आ जाएंगे अब जे में एक इंक्रीमेंट होगा अब जे की जो अगली वैल्यू है वो वन हो जाएगी अब वन के ऊपर यहाँ पे फिर चेक होगा लिस्ट ऑफ वन लिस्ट ऑफ वन क्या है ये वाली वैल्यू क्या ये वैल्यू बड़ी है इससे इमीडिएट अगली वैल्यू के लिस्ट ऑफ जे प्लस वन से हाँ जी बड़ी है अब क्या होगा अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ये कोड किसका ये कोड है स्वाप का स्वाप so, का मतलब क्या है कि लिस्ट ऑफ जे की जो वैल्यू है वो हमारी सेट कर दो टैंप की वैल्यू क्या हो जाएगी टैम्प की वैल्यू फोर हो जाएगी अब क्या होगा लिस्ट ऑफ जेड यानी कि इस वाली वैल्यू को चेंज करके इसके अगली वाली के इक्वल कर दो यानी इस इस तरीके से कर दो यहाँ पे 0 लिख दो और इससे अगली वैल्यू को टेम की वैल्यू को इक्वल कर दो यानी इसको 4 कर दो तो अब जो अगली लिस्ट की शक्ल है वो ये बन जाएगी ठीक है उसके बाद ये जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी यहाँ दोबारा वापस आएंगे अब जेड की वैल्यू जो है वो टू सेट हो जाएगी अगेन चेक होगा कि क्या दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू हाँ जी बड़ी है अब ये फिर से स्वाप हो जाएगी अब ये यहाँ पे नहीं चेक होगा यहाँ पे सॉरी चेक हो रहा होगा क्योंकि अब लिस्ट चेंज हो गई है अब यहाँ पे आपने जाना तो क्या फोर जो है वो माइनस फोर सिर्फ बड़ा है हाँ जी बड़ा है अब फिर से स्वापिंग हो जाएगी माइनस फोर इधर आ जाएगा फोर इधर आ जाएगा थर्टी सिक्सटी फाइव नाइन्टी थ्री और टू ऐसे ही रहेगा फिर अगेन क्या होगा जे की वैल्यू चेंज होके थ्री हो जाएगी जब थ्री हो जाएगी तो क्या फोर जो है वो थर्टी से बड़ा है नहीं बड़ा कुछ नहीं होगा ऊपर जाएगा जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी फोर हो जाएगी क्या थर्टी फाइव से बड़ा है नहीं बड़ा कुछ नहीं होगा जे की वैल्यू फाइव सेट हो जाएगी क्या नाइन्टी थ्री से बड़ा है नहीं जे की वैल्यू सिक्स हो जाएगी क्या जो नाइन्टी थ्री है वो टू से बड़ा है हाँ जी बड़ा है अब क्या होगा ये स्वाप हो जाएगा माइनस फोर फोर थर्टी सिक्सटी फाइव टू और 93 अब क्या होगा जे में इंक्रीमेंट होगा जे जो है वो सेवन हो जाएगा तो जब से सेवन हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखें इसकी रेंज क्या आय क्या थी हमारे पास आय की स्टार्टिंग वाली जीरो थी तो इसका मतलब है ये लूप चलेगा सेवन माइनस जीरो अप टू सेवन टाइम्स तो ये सिर्फ सिक्स तक चलेगा सेवन से आगे फर्दर ये जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे ये रुक जाएगा और ऊपर कोड वापस आ जाएगा तो आय की वैल्यू अब चेंज हो के वन सेट हो जाएगी जब आई की वैल्यू चेंज होकर वन सेट हो जाएगी तो जे दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगा और जे ने तक जाना है लेंथ लेंथ यानी जिसका मतलब है है ने अगेन तक जाना क्योंकि लेंथ एट है आई की वैल्यू वन है और उसमें से वन माइनस हो रहा है तो सिक्स तक जे जो है वो जाएगा जब जे अगेन जीरो से स्टार्ट होगा फिर चेक होगा कि ये वैल्यू इससे बड़ी है नहीं बड़ी कुछ नहीं होगा क्या ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है हाँ जी बड़ी है अब क्या होगा फिर स्वापिंग हो जाएगी माइनस वन फोर इधर आ जाएगा ये फोर इधर थर्टी सिक्सटी फाइव टू नाइन्टी थ्री फिर अगेन यहाँ से चेक होगा क्या ज़ीरो फोर से बड़ा नहीं कुछ नहीं होगा क्या फोर थर्टी से बड़ा है नहीं कुछ नहीं होगा कि थर्टी सिक्सटी फाइव से बड़ा है? नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ पे ये जो है सिक्सटी फाइव टू से बड़ा है हाँ जी बड़ा है लिस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी अब यहाँ पे टू स्वाप हो जाएगा इधर सिक्सटी फाइव आ जाएगा इधर नाइन्टी थ्री चला जाएगा अब सिक्सटी फाइव नाइन्टी थ्री से बड़ा है ये सिक्स तक जा रही है वैल्यू तो नहीं बस यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाएगी अब इसके बाद फिर अगेन ऊपर जाएगा I की वैल्यू चेंज होके टू सेट हो जाएगी और J दोबारा से जीरो से सेट होगा और इस दफा कहाँ तक चलेगा एट माइनस टू माइनस वन जिसका मतलब है कि ये फाइव तक चलेगा इससे आप अंदाजा ये लगाएं कि हम ये ज्यूम करते हैं कि हर आइट्रेशन के बाद जो लास्ट पहली आइट्रेशन के बाद जो लास्ट वैल्यू है जो हमारे पास वो लाजमी तौर पे बिल्कुल सही होगी वो सबसे बड़ी वाली होगी जब दूसरी आइट्रेशन अंदर वाले लूप की कंप्लीट होगी तो ये वाली वैल्यू भी और ये वाली ये दोनों जो है वो लाजमी सही ऑर्डर में पड़ी होंगी इसी तरह से Uh, जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा तो जब आई पूरा हो जाएगा तो इवेंचुअली हर वैल्यू जो है वो सही ठिकाने के ऊपर पड़ी होगी क्योंकि ये हो ये रहा है इस कोड में कि लिस्ट के अंदर से सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पिक करता है और वो एंड पे प्लेस कर देता है फिर उसके बाद प्लेस करने के बाद बाकी के लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है उसको सेकंड लास्ट लोकेशन के ऊपर प्लेस कर देता है और सो so ऑन अगली दफ़ा जो है वो टू और थर्टी इस तरह से सोप हो जाएंगे थर्टी सही प्लेस पे आ जाएगा एंड सो ऑन तो बबल शॉर्टिंग इस तरीके से शॉर्ट करती है आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो ये आ रही होगी ठीक है आप इसको तसली तो से पॉज करके समझने की कोशिश करेंगे ये कोड किस तरीके से चल रहा है